खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में भैंसावता कला निवासी अजय नरू का शहीद हो गए। परिजनों को शहादत की सूचना मिली है और पिलानी में अजय नरूका का परिवार रहता है। कल डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के परिजनों को शहादत की सूचना मिली और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए कर्नल देवानंद गुर्जर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद दुखद सूचना, क्या कुछ कहेंगे? लगातार ये 8वां हमला है और सेना की ओर से लगातार सर्च भी हो रहा है, तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इस हादसे की दुखद बात मानता हूँ और ये देश के लिए एक बहुत ऐसी संकट की घड़ी है जहाँ पर पूरे देश को एक साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये जो हमारे बलिदान हो रहे हैं, ये एक भाग्यपूर्ण बात है, दुख की बात है, बट अब देश के अंदर जिस प्रकार से देश के दुश्मन, पाकिस्तान हो, चीन हो, वेस्टर्न पावर्स हो, या देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन की आवाज बोलने वाले देशद्रोही लोग हो, वो सब जिस प्रकार से देश को कमजोर करने के लिए, और ये हाल ही में जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की स्वर्ण जो उनकी शपथ समारोह से लेकर के ये शुरू हुआ है काफिला इन हमलों का, मैं मानता हूं इसको रोकने के लिए भारत सरकार विचार कर रही होगी। और क्योंकि सेना का काम हम सबको समझना पड़ेगा, जब भी कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है, सेना इसका जवाब देती है, और देते समय इस तरह के जो हमारे नुकसान हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए, पर इससे देश को मनोबल नहीं गिराना चाहिए और भारतीय सेना का भी मनोबल नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बात है कि एकदम स्पर्ट हुआ है तो हम सैनिक के नाते तो हम इनका जवाब दे रहे हैं, पर अब कहीं बड़े स्तर के ऊपर इसके ऊपर मंथन करने की जरूरत है। मेरी दो रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन यह है कि देश के अंदर जब ऐसी कोई गतिविधि जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए सख्त कानून बने और उनको ऐसी करने की हिम्मत ना हो, आगे ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान द्वारा आयोजित है, उन द्वारा पोषित है, उन द्वारा इसको पूरा संरक्षण मिल रहा है, और अब चीन भी देखा गया है कि चीन की गोलियां और अमेरिकन वेपन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से ISI के ऑफिसर्स प्लान कर रहे हैं, सेना के ऑफिसर्स प्लान कर रहे हैं, उनको हमें टारगेट करके उनको मारना पड़ेगा। वरना अभी तक मिलिटेंट मरता है, वहां वो मजे करते हैं, अब उनमें दहशत पैदा करनी पड़ेगी, सर्जिकल स्ट्राइक मिलिटेंट कैंप के साथ साथ अब उनके उन हेडक्वार्टर्स पे, उन अधिकारियों पे भी करनी पड़ेगी जो इसको प्लान करते हैं। दुखद है, और मैं उसके परिवार से इतना ही आग्रह कर सकता हूं कि पूरा देश इन रणबांकुर के साथ खड़ा हो, हम उनके साथ खड़े हैं, देश का मनोबल नहीं गिरना चाहिए और सैनिकों का मनोबल तो कतई हिलना भी नहीं चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण जो लोग ऐसे शहादत के ऊपर जब राजनीति करते हैं, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम नागरिकों को भी इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, और ये चीजें हमें एक ही कर सकते हैं, आज के दिन सेना के पीछे बिल्कुल पूरा देश खड़ा हो, ऐसी कामना करता हूँ। सर, बेहद कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो हमले की बाद में जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, लेकिन डर उनमें किसी चीज का नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के LG की ओर से भी दुख जाहिर किया गया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उन्होंने वहां के लोगों से भी अपील की है कि सटीक जानकारी दें। आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों का क्या कितना बड़ा योगदान इसमें रहता है? देखिए, मेरा इस फील्ड में बहुत लंबा तजुर्बा है, मैं दो बात कह सकता हूँ। पहली बात तो है कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराना गलत है, क्योंकि पहले स्टेट की जिम्मेवारी, आप देखिए ये कहानी उस इलाके में क्यों हो रही है, उस इलाके में क्यों हो रही है, आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, एक टीले के ऊपर एक धानी है, 10 किलोमीटर पर एक धानी है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के जंगलों के अंदर एक पहाड़ पर एक परिवार है, दूसरे पहाड़ पर दूसरा परिवार है। ये बात सत्य है कि जब मिलिटेंट्स या कोई भी देशद्रोही लोग उधर से आते जाते हैं तो उनकी नजर पड़ती जरूर होगी, और हो सकता है वो रात को निकलते होंगे, हो सकता है उनको दबाव डालते होंगे, और वो खबर करने का उसके पास कोई चारा भी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसी होती है कि जब उनको पता भी लग गया है तो हमारा सिस्टम जो मैंने देखा है वो ऐसा है कि उस आदमी की जान खा जाएगा, तुमने कब देखा, कहां से आया, क्या किया। जो इंटेलिजेंस एजेंसी को काम करना चाहिए, अपने आदमी वहां लॉन्च करने चाहिए, VDC जो पुराने जमाने में थी वो सरकार को वापस शुरू करनी चाहिए, इंटेलिजेंस अपने
उनको सोर्सेज बनाना चाहिए उन उन जगहों में जाकर के वो कमी रही है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे दूध के दूल्हे हैं, एक दो ब्लैक मोल्स हर जगह होते हैं, जैकन्स हर जगह होते हैं जो देश के खिलाफ किसी न किसी, हो सकता है आर्थिक दबाव हो सकता है उसका और कोई प्रकार का दबाव हो सकता है ब्लैकमेल हो, क्योंकि मुझे कुछ हिस्से याद हैं जब कश्मीर के अंदर किसी घर के अंदर रात को मिलिटेंट घुसते थे और वो उन लोगों को कहते हमें रास्ता दिखाओ, कहते बंदूक से या तो तेरे को मार देंगे या तेरी बहन को। ये बहुत सारी चीजें हैं, बट ये तय है कि वहां के लोकल स्थानीय लोग कोई ना कोई तरीके से मदद करते हैं। वो डर अब यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को पहुंचना पड़ेगा, उनमें विश्वास जताना पड़ेगा और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मैं मानता हूँ उनको पहुंच करके ऐसी चीज को रोकना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह है। सर, क्या आप मानते हैं कि ये लगातार जो बदस्तूर हमले होते जा रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत निश्चित तौर पर खाली नहीं जानी चाहिए, सरकार की ओर से और छूट देनी चाहिए सेना को? सेना को पूरी छूट है, ये नैरेटिव हम जो भी चला रहे हैं गलत है। सेना को क्या छूट का प्रश्न है, कानूनी हक है हमारे पास और जहां तक हमारे ऑपरेशन से जो कैजुअलिटीज हो रही है, मैंने कहा दुखद है, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब जहां तक छूट है मैं मानता हूं पूरी छूट है। रही बात अब देश को, सेना अपना स्तर पे काम कर रही है पर जो देश सैनिकों का मनोबल गिराते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के, उनके लिए कानून कब आएगा? मनोबल तो वो गिरा रहे हैं। और दूसरी बात, जो दुश्मन के लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि जो उसकी, जहां मैंने कहा ना, जो इनको पोषित कर रहा है उन अड्डों को बर्बाद करना चाहिए, और वेट नहीं करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहिए, वहां पर एयरफोर्स का इस्तेमाल करें चाहिए, हम कोई भी तरीके से जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको चोट पहुंचनी चाहिए। जी सर, कश्मीर टाइगर्स ने, जिन लोगों ने इस हमले की, जिस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उनका ये कहना है कि दिस वॉर विल कंटिन्यू टिल द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। जी देखिए, ये सब वो लोग हैं जो आज एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, कल दूसरा खड़ा होता है, मैंने कहा ना ये चलता रहेगा। पाकिस्तान उग्रवादी पैदा करने की वहां मदरसे फैक्ट्री हैं, आप यहाँ 20 मारो वो 100 खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, तो ये करने से अब काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशंस को जो कोशिश कर रहा है, जो उनके ब्रेन बिहाइंड दी एक्ट है, और वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान ISI है, उन अधिकारियों को अब चुनित करके उनको टारगेट करना पड़ेगा और उनको डर पैदा करना पड़ेगा कि तुम भारत में ये मत करो। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या हुआ? मिलिटेंट मरे, प्लान करने वाला आर्मी चीफ तो ऐश कर रहे हैं, उनके और प्लानर्स हैं वो ऐश कर रहे हैं, उनको टारगेट, उनमें दहशत पैदा करनी पड़ेगी, जो भारत सरकार का काम है। मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी इस चीज में विलंब नहीं करेंगे और जल्दी ये सब कुछ बंद होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा करने के लिए। तो लगातार जम्मू कश्मीर के डोडा में जो आतंकियों से मुठभेड़ हुई, उसमें झुंझुनू से भी भैंसावता कला निवासी अजय नरुका शहीद हुए हैं, और जिस तरीके से कर्नल साहब हमसे जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन आतंकवादी मंसूबों को पनाह मिलती है और लगातार ऐसे हमले होते जा रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना कि सेना की ओर से लगातार कोशिश जारी है और इसका अंत जरूर होना चाहिए।